और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। देश में कोरोना के 3,06,000 के आसपास केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2.43 लाख केसेस सामने आए। देश में अभी 22 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी कि कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी जरूर दर्ज की गई है। राहत की खबर यह है, लेकिन ऐसे में लापरवाही ना बरती जाए उसके लिए भी लगातार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लोगों को सजग कर रही है। लेकिन फिलहाल इन मामलों में कुछ कमी दर्ज की गई है। 3.6 लाख नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,43,000 के केस सामने आए और देश में कोरोना के 3.6 लाख नए केसेस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 2,43,000 लोग ठीक हुए हैं और देश में अभी तक 22 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। यानी कि रफ्तार में कुछ कमी जरूर दर्ज की गई है, क्योंकि बीते दिन हमने देखा किस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे, जिसने चिंता बढ़ा दी थी राज्य सरकारों की। इसी वजह से कई राज्य सरकारों ने तमाम तरीके की पाबंदियां भी लागू कर दी थी। हालांकि अब इन पाबंदियों में भी धीरे धीरे केसेस कम होते होते सरकारें पाबंदियों में ढील भी दे रही है। लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 2 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और देश भर में इस वक्त 22 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना के 3,06,000 नए केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे में 2,43,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं देश में अब तक 22 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। यानी कि खबर अच्छी है, लेकिन लापरवाही किसी भी तरीके से ना बरती जाए इसके लिए लगातार राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें लोगों को सजग भी कर रही हैं, जागरूक भी कर रही हैं। क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी का नियम जो बनाया गया था, राज्य सरकारें लगातार अपने राज्यों के लोगों से अपील करती आ रही हैं कि केसेस भले ही कम हों, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी है।